अरे घर के अंदर मिल जाए, घर के अंदर मिल जाए, जहाँ मिल जाए वहाँ मिल जाए, वहाँ से रख दे। एक मराठी का लाइन क्या बोल दिया आप लोगों को, इतना अच्छा लगा, क्या बात है यार। फिर भी आगे जाके और मराठी बोलने की कोशिश करूंगा, मतलब इतना तो मुझे खुशी मराठी में जस्ट पास होने को भी नहीं हुई जितना आप लोगों का कमेंट पढ़ के हो रही है। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एक और चीज़ की खुशी है इस बात की कि फाइनली मैंने ऑफिस ले लिया है। जिन लोगों को पता है एक साल डेढ़ साल पहले से जब मैं घर ढूंढ रहा था, साथ ही साथ मैं ऑफिस भी ढूंढ रहा था, खरीदा नहीं है, रेंट पे लिया है अपने काम के लिए। तो फिलहाल तो सिर्फ छोटा, बहुत छोटा सा ऑफिस है और दो ही एम्प्लॉई है। आगे जगह शायद अपन और लोग को हायर करें, जो लेबल एवन से भी टाइप, वो डिपेंड करता है शोबे पे, लेबल एवन पूरा शोबे हैंडल करता है। तो अगर वो बोलेगा कि हाँ कंफर्टेबल, बिकॉज मुंबई में हमको बेस भी खोलना था, तो हम लोग को करेंगे। और क्या ऑफिस लेना बेटर रहता है। अभी मैंने लिया था तो ऑफिस पहले पवई में लेने का प्लान था, सब कुछ हो भी गया था, लेकिन उसको फिर हैंड ओवर करना पड़ा। अभी कहीं और लिया, ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है, वो पहले ही चालू हो जाता, लेकिन वो पहले चालू नहीं इसलिए हुआ क्योंकि जब मैं गुलमर्ग में था, एक्चुअली बिफोर दैट आई वाज इन दिल्ली गोइंग टुवर्ड्स गुलमर्ग, तो मुझे वसीम का फोन आया था। एंड वसीम जो मेरा काम करता है, एक ही बंदा आया, मैंने एक ही बंदे को हायर किया था, बिकॉज अपना काम ज़्यादा कुछ था नहीं। एंड ही कॉल्ड मी इज लाइक आई वॉन्ट टू क्विट, आई एम नॉट वर्किंग फॉर योर फर्म टुमारो। और मैंने उसको हमेशा एक चीज़ बोली कि भाई देखो, जब भी छोड़ना है यू आर मोर देन वेलकम टू लीव, एक महीने पहले बताना। भाई जो लोग ऑफिस में काम करते हैं भाई, इतना तो एक हफ्ता एटलीस्ट एज अ फ्रेंड बताना, बट उसने वो नहीं किया, आई अंडरस्टैंड। और उस चीज़ की वजह से अपना ऑफिस खोलने का प्लान थोड़ा डिले हो गया। एंड बिकॉज ऑफ दैट अभी मैं उसको अपना वर्क लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, इसको मैं सेपरेट रखना चाहता हूँ। 3 दिन के रेस्ट के बाद शैनिस फाइनली व्लॉगिंग, तालियां मारो। और शैनिस, कुछ लोगों ने एग्री किया दैट यू आर लुकिंग लिटिल बिट लाइक अनुष्का शर्मा, बट अभी पता नहीं कि तूने ये डार्क मेकअप क्यों किया। हियर यू आर नॉट लुकिंग लाइक अनुष्का, आई वांट टू लुक लिटिल डार्क। करते रहना चाहिए भाई कि गाड़ी सब सही सलामत है कि नहीं, बिकॉज यहीं गाड़ी खड़ी रहती है, धूल लग गई है, धो के खड़ी करो फिर भी, नहीं नहीं बेटा, धो के खड़ी करो फिर भी धूल लग जाती है। जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ, मुझे एक ही चीज की याद आती है, लॉन्ग ड्राइव, जो कि इसको मैं बहुत जल्द लेके जाऊंगा, बहुत जल्द नहीं बट है टाइम है, बट लेके जाऊंगा। सोचते भी है बहुत बार कि ऑडी को मुंबई में लेके घूमे, होता भी है, घूम भी लेते हैं, लेकिन फिर पार्किंग इधर उधर पार्क करो। और मैं एक चीज़ बताना भूल गया, शायद पकड़ जा रहा क्या, 2 दिन पहले की बात है, शैनिस को भूख लगी थी तो हम लोग कोई रेस्टोरेंट के बाहर ऑर्डर देके वेट कर रहे थे, एकदम कट टू कट लगा के। अभी कोई यहाँ पर, जो कि मेरा ब्लाइंड स्पॉट होता है, यहाँ पर बाइक खड़ी करके चले गया। अब जैसे ही मुझे ऑर्डर मिला, रात का टाइम था, 1 बजे का, मैंने पैसे दिए, गाड़ी लेफ्ट ली मैंने, तो उसकी बाइक जो खड़ी थी वो देखो यहाँ टच हो गई, और ये मेरा रैप जो है इस तरह एकदम स्माइली फेस में यहाँ फट गया और यहाँ हल्का सा लगा। अब मैं किसकी गलती है, उसको गलत नहीं बोल सकता, उस बेचारे ने तो पार करके चले गया, मुझको भी ब्लाइंड स्पॉट पे दिखा नहीं, उसकी बाइक को कुछ नहीं हुआ, बट मेरा रैप फट गया। बट टू माय गॉड ग्रेस, सिर्फ रैप फटा है, अंदर कुछ भी नहीं हुआ है, तो अपन रैप को ऐसे काट के रैप बदल भी, ऐसा सब चीज़ अगर ऑडी में हो जाता, ऑल द ऑडी में PPF है, लेकिन थोड़ा महंगी गाड़ी है, थोड़ा दिल पे भी ज़्यादा लगता ना। मुझे लग रहा था सिर्फ वीकेंड को बंद है, लेकिन नहीं, पूरा टाइम रेस्टोरेंट मॉल वॉल सब बंद है, ओनली टेक अवे। हम लोग मस्त शान से आगे रहे तो मंडे खाते, लेकिन बंद। अभी क्या करेंगे खाने, टेक अवे लेके गाड़ी में खाएंगे। अब भयंकर वाला पोपट हो गया गाइस मेरे साथ, कि मेरे पास घर की चाबी ही नहीं है, मेरे नए वाले घर की। अभी दो चीज़ होती है, तो मैंने घर के अंदर ही छोड़ के घर बंद कर दिया, या तो मेरे कोई जीन्स में रह गई है, नहीं इधर नहीं है, मेरे कोई जीन्स में रह गई है, और जो कि मुझे अभी घर जाके चेक करना पड़ेगा। मम्मी जो सुनाने वाली है मेरे को, भाई साहब आई होप घर के अंदर मिल जाए, घर के अंदर मिल जाए, जहाँ मिल जाए वहाँ मिल जाए, वहाँ से रख देना, ये मेरी चाबी संभाल के रख। हाँ मम्मी, मेरी मम्मी का मूड अच्छा है करके अच्छे से मेरे को डील किया, मतलब मम्मी ऐसे मतलब मैं चाबी नहीं मिली ना, आज मेरी खैर नहीं। क्या लगता है शानिस, चाबी घर पे होगी? होनी चाहिए, तू बोल रहा है इतना तो हो सकता है, बहुत नर्वस, इंट्यूशन इतना लाइन नहीं करता, इंट्यूशन हमेशा सही बोलता है। और ये रही चाबी, मिल गई, मैं तो बहुत डर गया था मैं। हाँ शैनिस, पहले मुझे लगा मैंने ये रूम में छोड़ दिए, लेकिन बाद में याद आया कि वो रूम में बैठा था, तो मास्क के नीचे चाबी थी, करके मेरा ध्यान नहीं गया। इनफैक्ट मैंने तेरे को खुद भी बोला था कि तेरे को उसी रूम में मिलेगा, बिकॉज तू उस दिन जब आया था तू वहीं पे आके बैठा था, ये बड़ो मास्क के नीचे था ना, तो तुमने ध्यान नहीं आया, बट चलना मिल गया ना, टेंशन नहीं। अभी मम्मी को फोन करके गुड न्यूज है, तुम्हारा बेटा इतना निकम्मा नहीं ना,
मेजरमेंट लेना था पर्दे का, फॉर्चुनेटली आईफोन में मेजरमेंट करके कुछ तो सॉफ्ट ऐप है उससे अपन पूरा मेजर लिया और अभी अपने को पर्दा लेने जाना है लोखंडवाला में। और एक चीज़ मुझे आज मालूम पड़ी कि ये जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है ये छोटा सा, ये बेसिकली अपना इस बिल्डिंग के लिए मुझे जिम है, मतलब मैं आई कैन गो टू द जिम एंड वर्कआउट। अभी कब खुलता है कब बंद होता है, अभी चालू है नहीं चालू है मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो जब भी अपन प्रॉपर शिफ्ट होंगे एक बार जिम का भी आपको टूर दे देंगे, तो सोने में सुहागा हो गया है, मतलब अच्छी बात हो गई एकदम। हाँ चाबी ली, एक चीज़ मेरी मम्मी ने साफ साफ बोला था कि ऐसा ना हो कि दूसरी चाबी मिलने के चक्कर में दोनों चाबी को अंदर रख के दरवाज़ा बंद कर दे, फिर बहुत भारी पड़ेगा। और शानी जी में भी सेम चीज़ पूरी चाबी ली ली, मम्मी ने खास तरह से मुझे बोल दिया था लेने के लिए, अपन ने ले ली। नाउ द कार विच आई लव द मोस्ट, अगर मेरे पास पैसे रहते तो मैं ज़रूर ये वाली गाड़ी लेता, वो है ये BMW की X7। क्या जबरदस्त गाड़ी है, एक नंबर, प्यारी खूबसूरत 7 सीटर। और यार मतलब BMW है तो बात ही कुछ अलग है, लेकिन फिलहाल तो अभी अपने ऑडी Q7 से खुश रहना पड़ेगा, X7 जब आनी रहेगी तब आएगी, से मुझे तो उम्मीद नहीं लग रही है अगले 3-4 साल तक, बट स्टिल माय गॉड इसको देख के मेरी आंखें एकदम नम हो गई है। शानिस कैसी लगा तेरे गाड़ी है? बहुत प्यारी गाड़ी है, प्यारी गाड़ी है ना, वेरी एक्सट्रीमली हैप्पी विद व्हाट आई हैव। लाइक जैसे कि जब मेरे पास टाइगर थी तब भी बहुत खुश था, लेकिन मैं दूसरी बाइक्स को देख के बोलता था ओह वाओ दिस इज अ ब्यूटीफुल बाइक एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल कार माय फ्रेंड। अभी थोड़े दिन पहले हम रग लेने देखने गए थे, तो हमारा रग भी जो है हॉल के लिए रेडी हो चुका है, अभी हम लोग वहीं उसके लिए अंधेरी आए हैं यहाँ पे, यहाँ से आगे जाना है। लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट पे आए हम लोग, लास्ट टाइम जब आए थे तब संडे था, संडे सब बंद रहता है, आज मंडे आज सब खुला है, तो पार्किंग वहाँ दूर आधा किलोमीटर दूर करके आए हम लोग। ये रहा हमारा रग, शानिस सुपर एक्साइटेड कम्पेयर टू मी, जा देख ले। अपने को समझता नहीं है तो शानिस देखेगी और बराबर इंच बाय इंच देखेगी, अभी इमेजिन करेगी अपने घर में कैसे दिख रहा होगा। इसके लिए फर्नीचर भी सेट कर लिया, हाँ आज लेके घर में ही डालना है वैसे भी, जितना बड़ा सोचा था उससे बड़ा निकला रग। अभी प्रॉब्लम है कि वेन्यू में फिट होगा नहीं होगा, ये मेरे को थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। साइड में डाल दो, मेरे को आता है क्या ना, अरे लवली, तो ये परफेक्ट हो गया भाई, ऐसे सोचा भी नहीं था मैंने ऐसे आएगा। चलो अच्छा है, जो रग्स का ओनर है मैं उसको बोल रहा था भाई तुम्हारा जो मिर्जापुर रग्स जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी सर को रख लो, बेस्ट हिल बी द बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर, मतलब आइए हमारे रग्स लेने, मिर्जापुर में बनते हैं मुंबई में बिकते हैं और उनके हर शो पे लेट हिम बी ऑन द मिर्जापुर हिट, सुपर हिट। ओके जोक्स अपार्ट गाइस, अगर आप मुंबई से आपको रग्स चाहिए तो मिर्जापुर रग्स जरूर ट्राई करो, बहुत ज़्यादा अच्छा है। शानिस एक्चुअली हमारे जो फ्रेंड है डैनी जिसमें टाइगर लिए उनके फ्रेंड है, तो उन्होंने रिकमेंड किया एंड इट वॉज वेरी गुड, क्योंकि अगर शानिस को पसंद आया मतलब अच्छा ही होगा आपने। अरे बहुत ज़्यादा, आई एम वेटिंग फॉर द कस्टमाइज्ड रग नाउ, कस्टमाइज होना है एक और है। सही है भाई, अभी फाइनली इसका बस पर्दे हो जाएंगे तो काम खत्म हो जाएगा। और काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं क्या भाई सुबह का रूटीन चेंज नहीं, भाई सुबह का रूटीन बिल्कुल भी चेंज नहीं है, सुबह का रूटीन फुल एक्टिव है, वर्कआउट वर्कआउट चल रहा है, अरे हवा आ रही रहेगी ना, वर्कआउट वर्कआउट चल रहा है फुल एक्टिव, बट आपको क्या देखने में बोर होता करके मैं वो पार्ट दिखाता ही नहीं, शुरू में दिखाया कुछ लोगों को अच्छा लगा कुछ लोगों वाला नहीं मज़ा नहीं आया तो दिखाना बंद कर दिया। अभी शॉपिंग, घर की शॉपिंग तो दिखानी पड़ेगी ना, थोड़ा कन्फ्यूजन है कि रेस्टोरेंट आज से बंद है कि कल से बंद है। लाइक हवाई में अपन जो रेस्टोरेंट गए थे वो बंद हो गया था, बोला कि आज से बंद है, लेकिन अंधेरी में अपेरेंटली आज लास्ट डे है कल से बंद है, क्लैरिटी नहीं बोला, हाँ क्लैरिटी नहीं किसी को क्या कब चालू है। हाँ तो हमने बोला कि इटालियन खिचड़ी खा लेते हैं विद ब्राउन राइस, वही खा रहे हैं खत्म कर रहे हैं, और इसके बाद हम जाएंगे होम अप्लायंस की शॉपिंग करने। और कौन से अप्लायंस चाहिए इधर को, सॉरी होम अप्लायंस नहीं क्या बोलते उसको, नहीं छोटी मोटी चीजें, वो चीज़ मुझे आपका तो पता नहीं लेकिन मेरे फीड में तो एक ही चीज़ आ रही है, सब लोग बोल रहे हैं कि गोवा भाग रहे हैं, एटलीस्ट मुंबई के लोग, आपकी फीड में आ रहा है सर? मेरे बहुत फ्रेंड्स जा रहे हैं सब गोवा, अच्छा वीकेंड छुट्टी है ना, नहीं क्योंकि वीकेंड अभी मुंबई एकदम ऑफ, खाली भली खाली एकदम खाली, ये कुत्ता बड़ा एक्टिवेट हो गया भाई, ये बड़ा खुश है अभी लॉकडाउन में रास्ता खाली मिलेगा मेरे को, वीकेंड में फुल खेल कूद रहेगा। और भाई मैं किसी को गोवा गोवा जाने नहीं बोल रहा, मैं बता रहा हूँ मेरे फीड में क्या आ रहा है ना, पब्लिक देखो मुंबई का निकल सबको गोवा जाने बोल रहा है, भाई ना मैं गोवा जा रहा हूँ, नहीं तूने नहीं देखी थी नहीं ना, मैं बोला अपने पोस्ट में अभी सब क्या आ रहा है ऑफ टू गोवा, मुंबई के जिसको भी वीकेंड को पार्टी करनी है गोवा भाग रहा है, वैसा बोल रहा था मैं, हम नहीं जा रहे भाई हमको बहुत काम है घर शिफ्ट करने के लिए, महाराष्ट्र बंद हो इंडिया बंद हो हमको मुंबई पवई में रहने का अभी, और मॉल तो बंद है तो हमने लोखंडवाला आया, जब मुंबई में रहकर मैं लोखंडवाला से कभी शॉपिंग नहीं किया, मैं क्या कब शॉपिंग किया, कभी शॉपिंग नहीं किया हमने, बस शुरू शुरू में KTM में एक बार आए थे लेकिन शॉप नहीं सर देखने आए थे, अभी देखते हैं कुछ राउंड मारेंगे वो वॉकिंग भी हो जाएगी खाना खाने के बाद। और ये हम तो थोड़ा बहुत शॉप्स मैंने चेकआउट किया बट मुझे पता नहीं इतना कुछ मज़ा नहीं आया, मतलब मेरे लायक कुछ नहीं मिला, एक बोलने के लिए एक टी शर्ट ले ली है बट आई डिड नॉट लाइक एनी ऑफ दिस, समोसा वमोसा देख के बड़ा टेम्प्ट हो रहा है बिकॉज अभी थोड़ा बहुत जो सर हेडेक था अपना चले गया, मैंने बोला समोसा नहीं खाते ये खाते हैं एनर्जी ड्रिंक, देख समोसा से बेटर है ये पिए हम लोग, ये ऐसा बोलते हैं कि बचपन में बहुत अच्छा आता था अभी ठीक है अभी भी अच्छा ही है, पहले 8 रुपए का आता था। चेयर्स चेयर्स गाइस,
लोखंड वाला का एक बहुत प्रॉब्लम रहता है कि लोग डबल पार्किंग करते हैं। तो एक बार मैं गाड़ी से यहाँ पर आ रहा था और बहुत ट्रैफिक जाम हो गई थी बिकॉज किसी ने डबल पार्किंग की थी। एकदम कट्टू कट निकाला, मैंने उसको बोला सर सुनो ना जरा काश नीचे करो ना, सर काश नीचे किया मतलब क्या हुआ, बोला सर गाड़ी को ना सर बीच में डालो अच्छे से तब ट्रैफिक जाम होगी, सर डबल पार्किंग करोगे तो मजा नहीं आता है। यहाँ से लोखंड वाला शुरू होता है, हमने ये एंड में गाड़ी खड़ी की है और यहाँ तक चल के आए उधर हम लोग यहाँ से ये चीज़ ले, और जब देखा था तब यहाँ पर पार्किंग अवेलेबल नहीं थी क्या यार, बट चलो कोई नहीं, एक किलोमीटर का वॉक हो गया अभी अपना। मैंने बोला अभी आए हैं जाने तो कुछ ना कुछ लेके जा, खाली हाथ नहीं जाएंगे इधर से। यू हैव नो आइडिया हैवी दिस इज, तो मैंने ये लगा अपना पकड़ा हुआ है और ये आराम से एक मिनट अभी देखो पूरा फ्लोर हिल गया है भाई, आराम से 25-30 किलो का यार। आह बस दुख रहा है, अभी इसको घर में बिछा के देखेंगे कैसा लग रहा है। वाह ऐसा परफेक्टली खड़ा हो गया ये, एकदम स्ट्रेट खड़ा हो गया, और बाकी का सामान हम ट्रॉली में लाए। शैनेज अपेरेंटली थोड़ा बहुत घर साफ भी करेगी, और ये गिफ्ट मिला है अभी शैनेज की कज़िन रीना ने दिया है, और ये बिछा के देखेंगे। हम बस सामान रखने जाते हैं घर पे और शैनेज को पूरा साफ सफाई का भूत चढ़ जाता है, मैं ये भी साफ करूंगी वो भी साफ करूंगी। तो वो सब होने के बाद हमको लगी भूख, चार रुपया इधर है भैया, ये 4 रुपये। और हमको ये नहीं पता था कि जो भी फूड ऑर्डर एप्लीकेशन है वो 8 बजे के बाद कोई भी ऑर्डर नहीं लेगा, क्योंकि कल तो ऐसा आया था कि सिर्फ वीकेंड को ऐसा होगा, लेकिन अभी वीकडे को ही चालू कर दिया। तो अभी हम करे तो करे गया, मम्मी को पूछा, मम्मी बोलती नहीं खाना तो मैंने जो बनाया था सब खत्म हो गया। तो मैंने मम्मी को इतना क्या हुआ ना कुछ मम्मी कुछ नहीं, तो अभी क्या करेंगे। तो मैं और शारिस बोले चलो ऑर्डर करते हैं, फूड ऐप में खाना नहीं आ रहा है अब क्या करेंगे। शारिस बोलती है हमारे घर पे भी कुछ सामान नहीं एक्स्ट्रा, क्योंकि तुम्हारा जो चैनल राउंड मार के निकलते कुछ ना कुछ तो खुला मिल जाएगा, अनफॉर्चुनेटली हमको मिल गया तो हम खिचड़ी ले रहे हैं और खिचड़ी जाके खाएंगे। हैप्पी बोलता है घर पे आ जाओ, मैंने खिचड़ी बनाता हूँ, मैंने नहीं भाई कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। मुझे याद भी नहीं कि मैंने ये जो चीज़ मैं बोलने वाला मैंने ब्लॉग में बोला कि नहीं, तो बहुत लोग बोल रहे हैं घर का वीडियो कब आएगा, घर का वीडियो का सब फाइनल हो गया है, जिस दिन पूजा होगी उस दिन घर का वीडियो बनाया जाएगा। अप्रैल के 3rd वीक की शुरुआत में पूजा है और उसी दिन वीडियो बन जाएगा और वीडियो आ जाएगा, एंड आई कांट वेट टू शो यू गाइस। सो गाइस आज के लिए बस ये वीडियो इतना ही रखते हैं, अब मैं थक के छूर होगा, मेरी आंखें जो है बहुत भारी हो रही है। सो विद दैट सेड एज ऑलवेज शुक्रान, अलविदा, मा सलामा, टेक केयर एंड टू व्हाटएवर माय लवली फ्रेंड्स। शैनिस तो सो भी गई है, मैं भी बस अलविदा, शुक्रान, मा सलामा, क्या बोलता हूँ मैं, एडियोस अमिगोस, बाय बाय।